तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं फिश करी, वो भी सबसे इजी तरीके से, मैं बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले हम मछली को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सिंपल तरीके से इसको फ्राई कर लिए हैं, और फ्राई करने के बाद हम इसका जो मसाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है फिश करी बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिए हम 100 ग्राम टमाटर, हरी मिर्च स्वाद अनुसार है, आधा चम्मच मेथी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कुछ और मसाले दिखा रहे हैं, जो कि एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, डेढ़ चम्मच जीरा मिर्च है, और एक है जो कि आम का खटाई है। और यहाँ पे जो पेस्ट आपको दिख रहा है ये है लहसुन और सरसों का पेस्ट है प्याज का। तो यहाँ पे फाइनली जो है टोटल रेडी हो चुका है मसाले, फिश, टोमेटो, जो भी है टोटल मटेरियल्स रेडी हो चुका है। अब हम इसको बनाने का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट चूल्हे पे, और चूल्हे पे रख चुके हैं हम कढ़ाई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम इसी तेल में फ्राई किए हैं फिश को, तो फिश जिस तेल में फ्राई किए हैं उसी में हम इसकी सालन बना रहे हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ तेल को हम सालन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब ये तेल हीट हो जाए तो सबसे पहले मेथी को ऐड करेंगे, मेथी जब ब्राउन हो जाए तो हरी मिर्च को यूज़ करेंगे। हरी मिर्च जब ब्राउन हो जाए तो इसमें सबसे पहले पेस्ट को हम ऐड करेंगे। पेस्ट डालने के बाद जो ये सब मसाले दिख रहे हैं आपको, ये मसाले आपको इसी साथ में ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो टमाटो कट करके रखे हैं वो भी हम अभी डाल देंगे, तो टमाटर भी हम अभी डाल देते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए हम मिक्स करके रख देंगे। तो चलते हैं अब हम इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि मसाले जो है अच्छे से पक सके। तो यहाँ पे हम अब हटा चुके हैं, अब इसमें हम पानी ऐड कर दिए हैं थोड़ा सा, आपको दिख रहे हैं, और इसके बाद हमें मिक्स करके ढक्कन लगा देना है, और फाइनली 4 मिनट के लिए इसको पकने देना है मीडियम फ्लेम पे। 4 मिनट बाद जो मसाले हैं 50% तक 100% पक जाएगा। तो यहाँ पे ढक्कन लगाते हैं, और 4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद ढक्कन को हटाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि हमारा मसाला जो है कैसा हुआ है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो है 50% तक हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हमें ढक्कन बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको हमें चलाते रहना है और इसको पकाते रहना है, इसको 100% मसाला को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे जो है 50% पक चुका है, तो यहाँ पे अब ढक्कन आप लगाएंगे तो हो सकता है कि ये जल भी जाए, इसलिए ढक्कन हटा करके हमें इसको पका लेना है, इसको मसाला को जो है अच्छे से हमें भून लेना है। तो यहाँ पे 99% तक हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है, और 1 से 1.5 मिनट में फाइनली जो है हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। तो मसाला रेडी हो गया है फाइनली, अब हम चलते हैं इसमें सालन के लिए पानी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पानी डाल लेना है, तो आपको जैसा सालन चाहिए, आपको गाढ़ा चाहिए तो कम पानी यूज़ करें, अगर आपको पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी यूज़ करें, अगर आपको मीडियम चाहिए तो मीडियम पानी यूज़ करें। और पानी डालने के बाद इसको उबलने के लिए 2 मिनट के लिए रख दें। जब ये उबलने लगे तो इसमें जो फ्राई किया हुआ मछली है वो इसमें आप डाल दें। तो यहाँ पे हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सालन में हम मछली को ऐड कर दिए हैं। इसको हल्के हाथों से हमें चला लेना है, और चला करके इसको 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। फाइनली 3 मिनट हम इसको पकाएंगे, और पकाने के बाद आपको ढक्कन नहीं लगाना है, आपको पका लेना है, पका करके चूल्हा को बंद कर लेना है। तो फाइनली जो 3 मिनट कम्प्लीट हुआ, चूल्हा को बंद करते हैं, और यहाँ पे हमारा फिश करी जो है रेडी हो चुका है, आप सब देख सकते हैं, और चूल्हा को बंद कर दिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।